تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ख़वातीनो हज़रात, दरसे क़ुरान मोहब्बतों के पैगाम में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान शरीफ में वैसे हमारे फजर में दरसे फ़िक़ा होता था बारी शरीयत से, और असर में दरसे सीरत जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ईशा का फिर ये दरसे क़ुरान होता। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे जो बकिया दर्स अभी तक रुके हुए हैं, रब करीम अपने हबीब के सदक़े उनको फिर से जारी कर दे। हम तो अपने तौर पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त की जो करंट जो पोजीशन है, तो बहुत से मामलात और मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, मजलिस शूरा है, मैं इनको इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये इन हालात के पेश नज़र इंतज़ामिया के सामने बिल्कुल किस तरह से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मामलात बड़े पेचीदा हैं। आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये जो इवेंट आपका चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा इंतज़ामिया ने रिस्क लिया हुआ है, और उस रिस्क के ऊपर जो है ये काम जारी है। तो आप कहेंगे मौलाना आप भी तो हैं उसमें। हमने कहा हम तो पहले से इन चीज़ों के आदि हैं, कोई मसला नहीं है। कराची की जेल हो या इस्लामाबाद की, ये तो नसीब की बात होती है। खैर, तो आज अच्छा ये मसला भी, जैसा हमारे इंजीनियर आसिफ साहब ने कहा कि कुछ लोगों ने रुकू नहीं किया अभी वितर पढ़ते हुए, तो जिन्होंने इमाम के साथ रुकू अदा नहीं किया वो अपनी वितर दोबारा पढ़ेंगे, अपनी वितर दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि रुकू फ़र्ज़ है और नमाज का फ़र्ज़ अगर रह जाए तो नमाज नहीं होती। आज सबसे पहले एक आयत के जिसमें रब करीम उन तमाम लोगों को ये बयान फरमा रहा है, आयत नंबर है 78, फरमाया और रब करीम अपनी इज्जत की कसम कि मुझे अपनी इज्जत व शान की कसम कि जब हमने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे, ना तुम्हारे पास कान होने के बावजूद सुनने की ताकत नहीं थी, आँख होने के बावजूद पहचानने की ताकत नहीं थी, दिमाग होने के बावजूद उसमें फहम व फरासत अकल नहीं थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारी इन तमाम चीज़ों में कुव्वत भी अता कर दी। आँखों को मारिफत दे दी, कानों को समाअत दे दी, और अकल को फहम व फरासत दे दी, वरना तुम थे क्या, मेरे रब ने फरमाया, तो अपने रब का शुक्र अदा करो। और अल्लाह ना करे किसी की दो आँख क्या, अगर एक आँख के अंदर कभी होता बीमारी के सबब, या 40 साल के बाद कहते हैं कि करीब की नज़र कमज़ोर होती है, तो ये बिल्कुल मैं हकीकत है कि जैसे हमने भी 40 पार किया तो इस बात का एहसास हो गया कि करीब की जो नज़र है उस पर असर पड़ता है। अब कोई भी चीज़ जैसे मोबाइल का मैसेज है तो उसको पढ़ने के लिए अगर करीब से यूँ देखें तो वो मैसेज समझ में नहीं आता, तो फिर इतने दूर करके देखें तो फिर वो समझ में आता है। तो रब करीम ने कि इतनी बड़ी नेमतें अता की है कि अल्लाह ना करे कि आज अगर ये मैसेज यूँ करके उसके बाद यूँ जब देखें तो उसमें भी दिक्कत और तबीयत में एक बोझल होता, कि पहले हम बड़े आसानी से यूँ करके पढ़ लिया करते थे लेकिन उम्र के साथ फिर ये मामला बढ़ गया। तो मेरे रब का शुक्र इतना अदा करो, इतना शुक्र अपने रब का अदा करो कि तुम्हारा पूरा वजूद ही अल्लाह का शाकिर बन जाए। अल्लाह के वलियों ने जब अपने रब का शुक्र अदा किया, कसम खुदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रतिलान के उनको खबर आई कि उनका पानी का जहाज़ जो तिजारत का आ रहा था वो पूरा का पूरा सामान के साथ डूब गया, तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह,
और उसी असना में उनको खबर मिली कि पूरा सामान तिजारत का वो जहाज वैसे ही बेड़ा जो है वो किनारे तक पहुंच चुका है। तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछने वाले मुरीद ने पूछा कि हुजूर जब गम की खबर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की खबर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया कि मैं हर हाल में ये देख रहा था कि गम की खबर सुन के मेरा दिल अपने रब से गाफिल तो नहीं हो गया, और खुशी की खबर सुन के मेरा दिल खुशी में कहीं अपने खुदा को तो नहीं भूल गया, इसलिए मैंने दोनों सूरतों में अपने खुदा का शुक्र अदा किया। हमेशा अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए। आज हमने एक आयत, ये आयत नंबर है सूरह नहल की 90। कल की हमने तरावी का आगाज़ यहीं से किया था। जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के इख्तिताम पर मैं खुतबे में ये आयत पढ़ता हूँ, सारे खुतबा, बल्कि ये खुतबा में ये आयत पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में अरब के भी जो खुतबे होते हैं इख्तिताम पर ये आयत अरब में भी ये आयत पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती है। और वो आयत क्या है? इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईता इज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मुफस्सिरीन इकराम जो कुरान के बड़े बड़े जय्यद मुफस्सिर गुजरे, वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद का पूरा जो रब की मंशा है, खुदा की जो मंशा है, वो क्या चाहता है अपने बंदों से, एक आयत के अंदर रब ने अपनी पूरी मंशा बयान कर दी। इस आयत को कहा गया, ये है वो आयत कि बेशक अल्लाह ताला वो हुक्म देता है इंसाफ का, भलाई का, और अपने अकरीबा रिश्तेदारों को देने का, और वो रोकता है बेहयाई से और बुरे कामों से और हद से तजावुज़ करने से। यही तुम सब के लिए नसीहत है, ऐ काश के तुम इस नसीहत को समझ सको। कितनी चीज़ों का फरमाया, इंसाफ याद कर लें, आज रब की मंशा याद कर लें कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता कि वो हुक्म देता। अच्छा, हमको अगर हमारा मैनेजर हुक्म दे, हम सारे उसके पाबंद होते, और नहीं होंगे तो फिर उसके नतीजे आपको पता। अभी जैसे गवर्नमेंट ने आपको पाबंद किया हुआ SOPs और लॉकडाउन और ये सारे, आप उसके पाबंद हैं, तो जब हम इन तमाम चीज़ों के पाबंद हो जाते हैं, तो जब मेरे खुदा की तरफ से किसी चीज़ के लिए लॉकडाउन आए तो वहाँ पर हमको क्यों नहीं पाबंदी याद आती? अभी मेरे रब ने फरमाया, क्या थे तुम जब अपनी माँ के पेट से हुए थे, ये आँखों को ताकत, कानों को समाअत और अकल को फिक्र व फरासत हमने तुमको अता की, तो ये हमने अपने कवानीन और ये हदें हमने तुम्हारे लिए बनाती हैं। तो उसमें फरमाया कि तुम्हारा खुदा तुम्हें हुक्म देता। ये बात जहन में रखिएगा, पैदा करने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, मर के वापस हमने किसकी तरफ जाना है? अपने खुदा की तरफ लौटना। कभी किसी ने ये सोचा या किसी ने ये कहा कि जनाब मैं डॉक्टरी की किताबें पढ़ूंगा तो मेरी नजात हो जाएगी और जो डॉक्टर बनेगा खुदा उससे राजी? ये मैंने तो नहीं पढ़ा। कि जनाब कोई इंजीनियर बनेगा और इंजीनियर की किताबों पर अमल करेगा, कोई बल्ब शल्ब बनाएगा, कोई लाइटें वाइटें बना लेगा तो अल्लाह उससे राजी, उसकी नजात हो जाएगी? ऐसा नहीं। मोमिन के लिए मेरे रब ने फरमा दिया कि यह है वो किताब, और इस किताब की हर आयत पर अमल करना ऐ मोमिन तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुमको नजात मिल जाए तो इस किताब के सिवा कोई दूसरी किताब नहीं जो तुमको नजात दे दे। यही वो किताब है कि जिसमें मोमिन के लिए नजात के तमाम तरीक़े और दरवाजे इसमें बयान कर दिए गए। तो इसी को पढ़ना पड़ेगा और इसी पर अमल जब बंदा करेगा तभी उसको नजात मिलेगी। दरसे कुरान में बैठने का ये मकसद तो ज़रूर होगा कि बरकत होगी, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के घर में बैठे यकीनन बरकतें मिल रही होंगी। लेकिन कुरान की इन आयतों को सुनना, और यकीन करें मैंने कल भी कहा कि खुश नसीब है कि जिनको कुरान की इन आयतों का तर्जुमा सुनने की सआदत मिलती, वरना ऐसे भी लोग के दुनिया से चले गए लेकिन पहला कलमा उनको पढ़ना नसीब नहीं हुआ या उनको पढ़ना मरते दम तक नहीं आया। तो रब करीम ने फरमाया इंसाफ का, सबसे पहली चीज़ क्या है? इंसाफ। इंसाफ बंदा कैसे करेगा? बिल्कुल आसान सा तरीका, अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करे, खाए तो हलाल खाए, कमाए तो हलाल कमाए। अब उसकी शादी हो जाती है तो बीवी के हुकूक,
आगे बच्चे हो जाते हैं तो इंसाफ के साथ उनके हुकूक, माँ बाप हैं तो उनके हुकूक, माशरे में रहता है तो पड़ोस के हुकूक, अल्लाह ने उसको गनी किया है तो फिर माशरे का हुकूक, तो इसी तरह से उसको हर एक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। हमारे यहाँ फ़कीर इस बात पे रो रहा होता है कि उसके पास कुछ नहीं, अमीर बड़ा खुश होता है, लॉकडाउन भी हो जाए 6 महीने का तो मुझे परवाह नहीं, बैंक में मेरा पैसा बहुत पड़ा, अलमारी मेरी भरी पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं। लेकिन माल की कसरत का होना अगर अच्छा होता तो रब करीम सबसे ज़्यादा माल अपने हबीब को अता करता। सबसे बड़ा बंगला कायनात में हबीब का बंगला होता, जबकि सारी जन्नतें और सारे जहाँ आई हबीब के, लेकिन रब करीम ने फरमाया कि अगर तुमको अपनी दुनिया कामयाब करनी, आखरत कामयाब कर दी है तो तुम्हें अपने हमारे महबूब के रंग में रंगना पड़ेगा, यही कामयाबी की जो है वो जिंदगी। तो पहली बात क्या फरमाई, इंसाफ। काम करते हो इंसाफ, नाप तोल करते हो इंसाफ, जॉब करते हो इंसाफ, नौकरी करते हो इंसाफ, जिस मनसब पर हो इंसाफ, जिस जिम्मेदारी पर हो इंसाफ। तो मेरे रब ने फरमाया कि तुमको इंसाफ करना पड़ेगा, पहली चीज। फिर फरमाया एहसान, भलाई करना है। भलाई क्या, कि रास्ते से पत्थर हटाना भी भलाई है, किसी मोमिन को देख के मुस्कुराना भी भलाई है, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखना ये भी भलाई, किसी गरीब बेवा बेसहारा की मदद करना ये भी भलाई, किसी यतीम बच्ची की शादी कर देना ये भी भलाई। तो ये सारे भलाई के काम हैं। और रब ने फरमा दिया कि अगर हम लोग ये समझते हैं कि जनाब रमज़ान में हमने ज़कात अदा कर दी तो हमने अल्लाह का जो हक था वो हमने अदा कर दिया, मेरे रब ने फरमाया खुदा का हक तो अदा कर दिया लेकिन बंदों के भी तो हुकूक हैं। तुम्हारे पास जितना माल बढ़ता चला जाएगा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी उतनी बढ़ती चली जाएगी। आज एक साहब का जिक्र हो रहा था, बहुत बड़े कराची के ताजिर हैं, बहुत बड़े ताजिर। तो मेरा बेटा कहने लगा कि बाबा भी उन्होंने जो है वो दाढ़ी भी रख ली है। तो मैंने कहा बात सुनो, असल में मसला क्या, माल का जमा होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस माल को कमाया कैसे पहली बात, और उस माल को फिर इतना कमाने के बाद खर्च तुमने कैसे किया, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं, इसमें जान नहीं छूटेगी। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि कमाया कैसे, देना है हिसाब एक एक पाई का। बिल्कुल तैयारी कर ले, कोई ये नहीं समझे कि मौलाना ऐसी हमको डरा रहे हैं, कोई नहीं, ये कोई डरा नहीं रहा, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कुरान मजीद में जगह जगह पर ये मसला आया है, जगह जगह कमाया कैसे, इक्तिसाब कस्ब, ये कुरान में आता है ना, लाहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ये होता है इसका माना, ये जगह जगह कुरान में मिलेगा, इक्तिसाब यानी उसने कमाया कैसे और कमाने के बाद फिर उसने खर्च कैसे किया। वो तो कमा के चला गया, बच्चों की तरबियत उसने दीन के माहौल पर नहीं की, उसकी हलाल की कमाई अगर बच्चों ने हराम में डाली तो जिम्मेदार भी फिर यही होगा कि तूने क्यों नहीं ऐसी तरबियत की कि तेरे हलाल की कमाई को बच्चों ने आराम के अंदर डाल दिया। बात आपके समझ में आ रही है, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, इतना वक्त नहीं कि इसकी सारी तफसील की जाए। तो इंसाफ, भलाई, रिश्तेदारों को देना। इसके अंदर मैं एक चीज आपको ये बताऊं, हमारे यहां बाज़ लोगों की आदत यह होती है, अभी जैसे ये लॉकडाउन और ये क्राइसिस जो आए, मैं बार बार अपने तमाम लोगों को ये कहता रहा, मस्जिद में भी कहा और बाहर भी कहा और जहां पर भी लोगों से बात हुई तो मैंने यही कहा कि इस वक्त में जो पोजीशन है ये वो कोई सदका ज़कात वाली नहीं है जो आम दिनों में चल रही होती है कि मखसूस तबकात है उन्हीं को दिया जाता है, ऐसा नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक मसला ये कि जो ज़कात 20 साल पहले लेता था वो आज भी ज़कात पे ही चल रहा है, आपके कुछ समझ में आ रही है, यानी 20 साल के बाद भी वो ज़कात पे ही चल रहा है। क्या मतलब कि 20 साल के अंदर वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत या उनके खलीफा ख़ास उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौरे खिलाफत अगर आप देख ले तो उस दौर के अंदर कभी मुसलमानों का ये वक्त भी था कि सहाबा इकराम अलीम रिदवान अकली सलात वसलाम से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त नहीं आएगा, यानी उनके वक्त से अच्छा तो कोई वक्त नहीं है। खुद सरकार ने फरमाया खैरुल क़ुरूनी क़र्नी, मेरे ज़माने से बेहतर कोई ज़माना नहीं, यानी कहने का मतलब ये था कि आधी खजूरें हम लोग खाते हैं, पेवन वाले कपड़े पहनते हैं, चार चार दिन हमारे घरों के चूल्हे नहीं जलते। तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार वो वक्त कब आएगा कि जब हम भी अच्छे कपड़े पहने, हमारे घर में भी खाने की फरावानी होगी। तो अकली सलाम ने फरमाया वो वक्त दूर नहीं कि कैसर व किसरा के खजाने मस्जिद नबी के बाहर पड़े होंगे और उठाने वाला कोई नहीं होगा। फिर मुसलमानों वो वक्त देखा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में ज़कात देने वाले थे, लेने वाला नहीं था। आप समझ रहे हैं, ये मुसलमानों ने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ पर मसला कि आपने अदा कैसे करना, तो क्या समझा हमने। अब जब यहाँ पर ये जो क्राइसिस आई तो मैंने क्या कहा कि आप इसके अंदर बगैर कुछ कहे, आपको ये पता है कि मेरे भाई की इतनी आमदनी नहीं है,
उससे पूछे भी नहीं, पूछेंगे तो मना कर देगा। आपने जो कुछ भी उसकी इमदाद करनी हो, और मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन इमदाद हमारी यहाँ तो राशन 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 चल रहा होता है ना। मेरा अगर आप ज़ाती तजुर्बा पूछें, मैं कहता हूँ अगर तुम उसको मुस्तहिक समझते हो ना, तो लिफाफे के अंदर जितनी तुम्हारी इस्तेआत है और जितनी उसकी हाजत है उतने पैसे रखो। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 घर के अंदर तुम पहुँचाओगे तब जाकर तुमको अल्लाह राज़ी होगा, नहीं। अगर एक बंदे की भी महीने भर की आदत की जो रकम थी वो लिफाफे में रखकर आपने उसको दे दी, और उसने वो रकम गिनने के बाद कहा या अल्लाह इसने मेरा भला किया तू इसका भला कर दे, तो इसी के ऊपर भला हो जाएगा। 1 करोड़ लोगों को राशन देने का कहकर सिर्फ तस्वीरें खिंचाकर नाम रोशन करने से कुछ नहीं होने का, लेकिन अगर इस तरह से एक अमल कर लिया गया, ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, हर एक अपनी राय के अंदर आज़ाद है, मेरी ये राय है। इसलिए कि जब उसके हाथ में पैसा होगा, हो सकता है उसको दवाई लेनी हो सकता है उसको कोई और काम हो इस तरह का कि जिसका ताल्लुक पैसे से होता है, तो ये मैंने एक अपनी राय दी। तो उसके अंदर फिर ये देखें कि आपका सगा भाई, आपको पता है कि इस वक्त में उसको ज़रूरत हो सकती है, बगैर बोले आप पहुँच जाएँ, सगी बहन के पास पहुँच जाए, भांजा है, भतीजा है, अगर आप वालिद साहब से हटकर अलग घर में रहते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाए। अब्बा को तो हाजत नहीं है, अम्मा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, हमारा निवाला या हमारे बच्चों के पेट में निवाला तो बाद में जाए, पहले मेरी माँ के मुंह में निवाला जाएगा, पहले मेरे बाप के मुंह में जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो रब्बे करीम ने फरमा वह ईताई दिल कुर्बा, और अपने करीबी रिश्तेदारों को दो, जो करीब हैं उनको दो। ये करीबी रिश्तेदारों का जिक्र क्यों हुआ? अरब के अंदर पहले भी था और आज भी है, पहले भी था और ये रिवायत आज भी है। आप अक्सर सुनते होंगे कि फलां शेख ने ये मस्जिद बनाई है। वो मस्जिद कहाँ बनवा रहा है? पाकिस्तान कोरंगी में। मस्जिद कहाँ बनवा रहा है? सरजानी टाउन के अंदर शेख साहब मस्जिद बनवा रहे हैं। कोयत के शेख हैं, वो यहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं। अरब के अंदर होता ये था कि वो अपनी नाम व नमूद और अपनी बड़ाई के लिए अपने सारे घर वालों को महरूम करके अपनी सारी जायदाद, जब अब्बा मरे तो पता चला ये तो प्रॉपर्टी वो 6 गाँव आगे जो था ना वहाँ पर, ये पहले ही चौधरी साहब बन के वहाँ पर बांट कर आ गए। उस ज़माने में चूंकि सेल्फी वाला मोबाइल नहीं था, तो उस ज़माने के हिसाब से जो भी सेल्फी थी उन्होंने अपनी वहीं पर करके ठीक ठाक तस्वीर वहाँ पर की उन्होंने, और लोगों ने बड़ी दाद और खराज दी उनको कि जनाब ये बहुत बड़े गनी थे कि जिन्होंने वहाँ पर जाकर सारा माल बाँट दिया। तो मेरे रब ने फरमाया कि जिस वक्त में तुम अपने सदक़ात खैरात इसको बाँटना शुरू करो तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा करीबी इसका मोहताज तो नहीं है। अब समझ में आ गई? आगे चलते तो कितनी चीज़ें हो गई कि सबसे पहले आपने इंसाफ करना है, दूसरा भलाई करनी, तीसरा अपने रिश्तेदारों को देना। ये आयत रब की मंशा बता रहा हूँ मैं, इंसाफ हर चीज़ में, भलाई हर चीज़ में, रिश्तेदारों को देना। उसके बाद फिर क्या फरमा? बुराई से रुकना और रोकना, खुद भी रुकना और दूसरे को भी रोकना, बेहयाई से और हद से तजावुज़ करने से। ये मसले आप सारे मुझसे बेहतर अंदाज में जानते हैं। अगर हमारे घर की औरत पर्दा ना करे तो जिम्मेदार शौहर है, उसका जिम्मेदार। वो फुल तैयार होकर हॉल के अंदर पूरी वो जीनत हाल बनी रही, पूरा मोहल्ला ने उसको देखा, उसके बाद वो घर में पहुंची और आते ही उन्होंने मुंह धोया फर्स्ट क्लास, और जो सबसे पुरानी बोसीदा कमीज थी वो उन्होंने पहनी। अब हजरत शौहर नामदार के सामने वो हाजिर हुई, जिसके सामने जीनत करनी थी उसके सामने फकीरन बन के आई, और जिसके सामने नहीं करनी थी वहाँ पर वो जीनत महफिल बनी रही। मैं सिर्फ एक इशारा देकर समझा रहा हूँ, बीवी और बेटी यानी जिसके ऊपर आपके हुकूक हैं, जिनके जिम्मेदार आप हैं, जो आपकी कस्टडी में हैं, तो उनके लिए आपको खुद सोचना होगा। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, हर मामले के अंदर आप उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए मर्द को कहा है अर्रिजाल कवाम, घर का जो बड़ा होता है वो मर्द होता है, ना कि औरत होती है। ये जहन में रखिएगा, जब मर्द ढीला पड़ जाता है ना तो फिर ये वाली टीम नजर आएगी आपको, कौन सी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये भी किसी की बीवी है ना, ये किसी की बहन है, ये किसी की बेटी है। इनके घर के जब मर्द होते हैं ना, उन्होंने चूड़ी पहनी होती तभी ये सड़कों पे निकल जाती हैं, वरना इनकी इतनी औकात है नहीं कि ये बाहर निकल जाएं। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। इसीलिए मर्द को कहा कि अगर मर्द इस्लाम दीनदार और सही मानों में अगर वो दीन का समझने वाला, और यहाँ पर मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप कोड़ा लेकर खड़े हो जाएँ, हैंडल लेकर खड़े हो, नहीं, हमारे इस्लाम की तरबियत ही इतनी प्यारी है। आपने अब वो निकल गया पारा, हमने
दूसरे सिपारे के अंदर मेरे रब ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ये आकर पूछते हैं आपसे कि औरत के वो जो नपाकी के दिन होते हैं तो उसमें फरमाया कि मर्द उनके करीब ना जाएं। तो जानते हैं रब्बे करीम ने क्यों, तो वो आके पूछा कि मर्द करीब उनके क्यों ना जाएं, तो रब्बे करीम ने ये नहीं फरमाया कि उसमें नजासत होती है, नापाकी होती है, ये है तुम्हारी बीमारी का सबब है। सबसे पहले फरमाया कुल हुआ अज़ा, ऐ मेरे हबीब मेरे बंदों से आप कह दे कि अगर ऐसी सूरत में वो उन बंदियों के करीब जाएंगे ना तो उनके लिए तकलीफ दे होगा। मर्द का कुर्ब औरत के लिए उन दिनों के अंदर अगर वो, तो वो उनके लिए अजियत का सबब बनेगा। आप देख रहे हैं अल्लाह अपनी बंदियों से कितनी मोहब्बत रखता, क्यों उनके लिए वो अजियत का सबब बन जाएगा। तो मर्दों को चाहिए कि उन दिनों में अपनी औरतों से वो एराज करें, दूरी इख्तियार करें। रब्बे करीम तो अपनी बंदियों पर इतना करम और रहम करता है कि जब औरत उस नापाकी के दिन में आती है तो अल्लाह वो इबादत जो किसी हाल में माफ नहीं है नमाज, अल्लाह तो वो नमाज भी उस पर माफ कर देता ताकि मेरी बंदी जो है वो तकलीफ में नहीं आए। अब समझ में आ रही है आपके, अल्लाह जब अपनी बंदी पे इतना रहम करता तो इनको क्या पता क्या हमारा जिस्म हमारी मर्जी में, नमाज अल्लाह। तो ये फहाशी और बुराई और इन तमाम चीज, लेकिन इसके अंदर मर्द का बहुत बड़ा किरदार होगा। ये भी देखना चाहिए कि बेटी अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है तो कैसा। अच्छा इसके अंदर मालूम है, मैं एक चीज आपको बताऊं, बाज जगहों पर बिल्कुल शिद्दत होती है, वो हद से ज्यादा शिद्दत भी जब हो जाए ना तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आ जाती है जिद्दी, जिद्दपन। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, बच्चों की तरबियत इस माहौल के अंदर की जाए कि उसके अंदर डंडा लाठी ना चले, गलम गलोच ना चले, घूरना थप्पड़ मारना ना चले, उसको बचपन से ही इस माहौल में रखा जाए कि उसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत जाग उठी। मैं दारुलूम के अंदर जब भी बच्चों से बात करता हूं ना, आपको पता हमने दारुलूम के अंदर, ये हमारे नाजिम साहब यहां बैठे हुए, मैंने दारुलूम के अंदर ये ऐलान किया हुआ, बल्कि ये कानून हमारे यहां ऑर्डर जारी है, डंडे का इजरा मना है, दारुलूम में डंडे का इजरा मना है, डंडा नहीं लाएगा कोई। और मैं तलबा से यही बार बार कहता हूं कि कुरान इफ करो तो खुदा की मोहब्बत में, जब खौफ खुदा और मोहब्बत खुदा जब दिल में पैदा हो जाएगी तो फिर मैंने ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे घर, ऐसे घराने मैंने देखे हैं कि वाकई में, कि आप कहेंगे कि वाकई में ये तरबियत का पैकर है। खैर कोशिश करते हैं कि इस तरह का माहौल एक बन जाए, लेकिन उनके दिलों के अंदर बेटा हो या बेटी, उसके दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी जाए कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ तक आना है, इसके आगे अगर बढ़ोगे तो तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उनको समझा दिया जाए और उनके दिल में बचपन से अगर ये चीज़ें बैठ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि सिर्फ उन तक नहीं, आगे जब वो अपनी नस्लों की तरबियत करेंगी तो इसी माहौल में करेंगी, ये इस तरबियत का जो है वो फ़ायदा होगा। तो रब्बे करीम ने यह चीज़ें फरमा दी कि अदल एहसान और रिश्तेदारों को अता करना, बुराई बेहयाई और हद से तजावुज़ करने से खुद भी बचना है और आगे वालों को भी बचाना है, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन नसीहत है। ऐ काश कि तुम इस नसीहत को अच्छी तरह से समझ लो और पकड़ लो। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 97 के अंदर, मन आमिला सालिहन, के जिसने अच्छा नेक काम किया, मर्द हो या औरत, तो हम उसको जिंदा करेंगे और बेहतरीन जिंदगी उसकी हमेशा जो है वो बाकी रहेगी। क्या मतलब, एक तो होता ना कि दुनिया की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी के बाद क्या आखिरत की जिंदगी नहीं है, ये तो हम मोमिन का ईमान है कि ये जो जिंदगी है ये हमारे लिए आजमाइश और इम्तिहान की जिंदगी है। असल में हमारी जिंदगी जो है वो तो मरने के बाद, दमिश्क में शेख साहब खिताब कर रहे थे, एक स्वयं की महफिल थी, मैं भी उनके साथ था, तो उन्होंने अपने खिताब के अंदर बड़ा प्यारा लफ्ज फरमाया, बड़े बड़े वहां पर जो उलमा इकराम मौजूद थे, तो हजरत ने फरमाया कि इंसान की जिंदगी में सबसे प्यारी जो नींद आती है, अभी गर्मी बढ़ना शुरू हुई है ना कराची में, लोग अपने एसी वेसी दोबारा से साफ ऑफ कर रहे हैं कि वह ठंडी रात में जो है कम से कम 2-4 घंटे कमरा ठंडा करके तो सो ले, फॉर्म भी तो अच्छा हो, तो वो भले एसी चला ले, वो भले जो है वो जितना मोटा भी फॉर्म है वो लगा कर वो सो जाए। तो क़िबला शेख साहब ने यही इसी तरह से मिसाल देते हुए कि ठंडा कमरा हो, नरम आरामदेह फॉर्म भी हो,
लेकिन तब भी उसको नींद की राहत नहीं मिल सकती। इंसान और मोमिन को सबसे प्यारी नींद जो आएगी चैन की, वो पहली रात कब्र में आएगी। पहली रात कब्र की जो पहली रात होगी, इसलिए कि वहां पर सुलाने वाला ना दुनिया का एसी होगा, वहां पे सुलाने वाला खुदा वंदे करीम होगा। जब वो अपने बंदे को थपकियां देकर सुलाता है तो फिर तो वो ऐसा सोते हैं कि असाबे काफ 309 साल सोने के बाद भी कह रहे थे अभी सोए थे अभी उठ गए। अल्लाह जब अपने बंदों को सुलाता तो रब करीम ने फरमाया कि हम उनकी जिंदगी को दुनिया और आखरत की इतनी शानदार वो जिंदगी होगी कि वो अपनी कब्रों के अंदर भी दुनिया की ताकत से ज्यादा वो जिंदा जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद आयत नंबर 98 में फरमाया, सूरत नहल है, कि जब भी तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पना मांग लो शैतान मर्दू से। कुरान मजीद पढ़ें या कोई भी काम आप करने के लिए जाते हैं, अपने घरों से जब निकलते हैं तो आजकल वैसे भी आलात और गुर्बती के मारे फ़कर बढ़ता जा रहा, तो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मैं तो इफ्तार के बाद जब निकलता हूँ तो अपनी आँखों के सामने मैंने कई मनाजिर ऐसे देखे, इसलिए वो सन्नाटे का वक्त होता है ना, तो वारदात के लिए बड़ा मुनासिब होता। तो बस अल्लाह ताला ने मुझे भी बचाया कि मेरे सामने जो है वो गन लेकर ऐसे खड़ा हो गया और मैंने वहीं पे गाड़ी रोक दी कि भाई नहीं आ रहा मैं पीछे। तो आप जब घर से निकलें, कुछ नहीं याद अगर आपको, तो पढ़ लिया करें अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। ये इतना जो वजीफा है ना आपका, इंशाल्लाह पूरा दिन आपकी हिफाजत करेगा। क्या याद रहेगा? अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, ये आप पढ़ लें। मैं ए अल्लाह तेरी पनाह लेता हूँ, शैतान मर्दूद के वार से मुझे बचाना। तो इंशाअल्लाह ताला ये लफ्ज़ आपको बचाएगा। उसके अलावा अगर और भी पढ़ सकते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। तो औज़ु बिल्लाह जो है वो कुरान मजीद का जब आगाज़। अच्छा, यहाँ पर एक मसला ये समझ ले, अगर कोई शख्स तिलावत का आगाज़ करता है तो वह औज़ु बिल्लाह पढ़ के तिलावत का आगाज़ कर देता। अगर वो आगाज़ कर रहा है सूरह फातिहा से या सूरह बकरा से या सूरह कौसर से मिसाल के तौर पे, तो औज़ु बिल्लाह के साथ उसे बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि हर सूरत के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। और आप अगर कहीं बीच में से तिलावत शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ के भी अगर आप तिलावत शुरू कर दें तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अकल इस्लाम के फरमान पर क्यों ना अमल करें कि मेरे सरकार ने फरमाया कि हर वो काम के जो शान वाला है उसकी इब्तिदा अगर बिस्मिल्लाह से ना की जाए तो वो बेबरकत हो जाता है, बरकत से खाली हो जाता है। तो औज़ु बिल्लाह भी पढ़ लें और बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें और उसके बाद जो है अब अपनी तिलावत जारी करें। अब यहाँ पर आयत नंबर 115 में रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है। अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें समझ लें, अल्लाह ने तुम पर हराम किया है मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और वो जानवर के जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए, ये फरमाया तुम्हारे लिए आराम है। उनका क्या हल होगा कि न जाने हमारे यहाँ सैकड़ों चिकन जो है मरी हुई। हाँ, ये सुबह के वक्त में ट्रक आते हैं ना, तो मैंने देखा है, ये एक नहीं कई कई मुर्गियाँ मरी होती, सारी वजन में सब जाती हैं। मुर्दार मोमिन के लिए हराम है। और अगर कोई मुर्दार मुर्गी बेचता है, या हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुना भी जा रहा है, ना जाने हो सकता है मेरे इन लफ्ज़ों से किसी की इसलाह हो जाए मुर्गी वाले की, तो कोई भी चीज़ इस तरह की मुर्दार। वो एक मरतबा मीडिया के ऊपर आकर किसी ने कहा, किसी हाकिम ने, कि हमने 1 लाख गधे की खाले पकड़ ली। तो सामने जो तजिया था करने वाला, उसने कहा कि खाल तो आपने पकड़ ली, गोश कहाँ गया? आप समझ रहे, 1 लाख गधे जिसको खाना हराम है, तो वो आपके मुल्क के अंदर जो है वो बिक गए। वो तो 1 लाख खाल पकड़ी गई, उसके अलावा ना जाने कितने लाख गायब हो गए। तो रब्बे करीम ने जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया कि ये तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार खाना हराम है, और खून, ये जो खून होता है इसका इस्तेमाल करना कि कोई खून का सूप बना ले, तो ये तुम्हारे लिए आराम है। और इसी तरह से खिंजीर का गोश्त,
तो कोई ये कहे कि खिज़ीर का गोश्त अगर आराम है तो कलेजी तो खा सकते हैं। तो क़ुरान मजीद के बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनका ज़िक्र क़ुरान मजीद में भी है और उसकी वजाहत हदीस शरीफ में। वजाहत कहाँ पर है? हदीस शरीफ में। मिसाल के तौर पर क़ुरान मजीद ने कहा कि खिंजीर का गोश्त ये तुम्हारे लिए हराम है, तो अकली सलात व सलाम की हदीसों से फिर ये पता चला कि खिंजीर नजसुल आइन है। आप समझते हैं नजसुल आइन का मतलब? खिंजीर की हर चीज नापाक है, उसकी हर चीज यानी वो पैदा ही बिल्कुल नजिस है, पैदाइशी नजिस है। उसका थूक, उसकी आंख, उसका दांत, उसकी खाल। हमारे नज़दीक, अनफियों के नज़दीक कुत्ते की खाल, वैसे भी कुत्ते की भी हर चीज़ नापाक है, उसका थूक, उसका गोश्त, अड्डी, कलेजी, सब सब आराम है, नजिस है। लेकिन सिवाय कुत्ते की खाल के हनफियों के नज़दीक कुत्ते की खाल दबागत से पाक हो जाती है, यह हनफियों के नज़दीक है। शाफियों के नज़दीक कुत्ता और खिंजीर ये दोनों एक ही हुक्म में, कुत्ता और खिंजीर उनका हुक्म एक ही है कि उनके नज़दीक खिंजीर और कुत्ते दोनों की खाल भी दबागत से पाक नहीं होती। समझ रहे आप? तो ये जिक्र आ गया। उसके बाद तीसरा जिक्र फरमाया कि वो जानवर के जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए तो उसका खाना भी हराम है। आप कहेंगे मौलाना ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं, हमारे यहाँ जो भी गाय ज़िबा होती है, बकरा, मुर्गी, सब पे अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया जाता है, और ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ये लाजिम ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई गलती से भूल गया मोमिन और वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया लेकिन ज़िबा करने वाला मोमिन था, तो क्या उसके हाथ का ज़बीहा हलाल है? जी बिल्कुल हलाल है, क्योंकि मोमिन अगर ज़बान से पढ़ना भूल गया तो क्या हुआ, दिल में तो उसके अल्लाह रसूल मौजूद हैं। ये मोमिन की शान है कि अगर वो भूल गया ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना तो उसके हाथ का ज़बीहा तब भी हलाल है, लेकिन जान कर अगर नहीं वो पढ़ता तो ऐसी सूरत में वो ज़बीहा हराम हो जाएगा, अगर जान कर वो नहीं पढ़ता। अब यहाँ पर एक मसला मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ी हैरत होगी। आप कहेंगे कि मौलाना ये हो सकता? आपके इस वक्त सऊदीया में, हरमैन तैयबैन में, सबसे मुकद्दस ज़मीन पर जो आने वाला गोश्त है वो सारा गोश्त इम्पोर्ट है, बाहर से आता, और वो गोश्त आता है ब्राज़ील से। आप किसी से भी पूछ लें, मैं इसी साल जब हज पर था तो हम लोग फेरामाउंट टावर जो है वो क्लॉक वाला जो है होटल घड़ी वाला उसमें था, तो बहुत बड़ा थाल उन्होंने सजाया हुआ था, उसमें पूरा उन्होंने बकरा रखा हुआ था। तो वेटर से मैंने पूछा, मैंने कहा ये गोश्त, उसने कहा साहब इम्पोर्ट है, बाहर का है। मैंने कहा हलाल कहने मैं नहीं कह सकता, जबकि वो वेटर है, वो तो अपनी शान बयान करेगा कि हलाल क्या है, तो पूरा हाफिज़ यहाँ बैठ गया, उसने ख़त्म पढ़ा है। अगर उसने बिल्कुल वाज़ह तौर पर क्या कहा, उसने कहा कि नहीं जनाब, मैं आपको कोई इसकी ज़मानत नहीं दे सकता, गोश्त तो इम्पोर्ट है। अपने हिसाब से जितने आजी होते उनको समझा देता, भाई गोश्त मत खाना, गोश्त मत खाना। सामने से हाजी हमको कहता है वह मक्के की हवाओं में शिफा, यहाँ की मट्टी में शिफा, आप गोश्त खाने से मना कर रहे हैं। तो मगर मसला अपनी जगह है, मसला अपनी जगह है। ये मैं आपको मसला बता रहा हूँ, हमारे अकाबिर बुजुर्ग आज भी इम्पोर्ट का गोश्त नहीं खाते, वहाँ पर जाते हैं, यानी मैं कोई अपनी फसाहत और अपनी विलायत नहीं बयान कर रहा, हम नहीं खाते गोश्त जो है, नहीं खाते। हाँ हमें ये पता है हमारे किसी दोस्त ने ज़िबा किया घर पे, उसने बुला के वो खिला, वो ठीक है, तो उसके अंदर तो हमें इत्मीनान होता है कि ये दोस्त और साथी ने ज़िबा किया। तो ये मसला आप जहन में रखिएगा और आगे तक भी पहुंचा दे तो इसमें कोई अर्ज नहीं। अगर किसी ने अपने आप को बचा लिया, कोई लाजमी नहीं है, पूरे साल तो गोश्त खाते हैं ना, अगर वो 30 दिन 35 दिन अगर नहीं भी हमने खाया तो उसमें कोई अर्ज की बात नहीं है। आप मछली खा सकते हैं, मगर उसमें भी ये देख लीजिएगा कि फ्राई होने की जो जगह है ये उस तेल में फ्राई ना हो कि जिस तेल के अंदर इम्पोर्ट वाला गोश्त तला गया था। ये भी ज़रा ख्याल कीजिएगा। ये सारे मसले आपने समझ लिए। एक मसला यहाँ पर बड़ा अकीदे का भी है, वो ये है कि जब आई ये बात तो मैंने कहा कर दूँ,
ये रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 116 में कि तुम अपनी जबानों को झूठ से महफूज करो और मत कहो उसको जिसे अल्लाह ने हलाल किया उसको तुम हराम कहो और जिसको अल्लाह ने हराम किया तुम उसे हलाल कर दो, इसका इख्तियार तुमको नहीं है। हमने शबरात में हलवा बनाया, उसमें शकर अलाल, सूजी अलाल, घी अलाल, गैस बिल हमने दे दिया अलाल, मेहनत हमारी अलाल, सब कुछ उसमें अलाल है कि नहीं? उसमें सारी चीज़ें हलाल है ना? उसमें वो कोई चीज़ उसमें नजिस है, कोई नपाक है, कोई उसके अंदर इस तरह की आमाइश या मिलावट कोई इस तरह कुछ भी नहीं है ना, तो बिल्कुल हलाल है। अब मैंने दिया, मैंने मौलवी साहब खाएं ये आज वो शबरात का हलवा है, हराम। अब समझ, मैंने कहा इसमें हराम है क्या? भाई चीज़ बताओ ना इसमें हराम क्या है। अब सुने दलील क्या आ रही है, आपने इस पर ख़त्म पढ़ा है ना? मैंने ख़त्म पढ़ा, हाँ कुरान पढ़ा है इस पर, इसी वजह से। मैंने कहा तो फिर बोले आपके लिए जब लाएंगे तो भजन पढ़ के लिए आएंगे, आपको अगर कुरान पढ़ के पसंद नहीं आ रहा तो भजन पढ़ के आपको दे देंगे, को गीता सीता पढ़ के दे देंगे आपको, इसलिए आपको कुरान पढ़ के पसंद नहीं आ रहा। हालांकि कुरान तो ये कहता है कि बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ लो तो बरकत होती है, बिस्मिल्लाह कुरान की आयत नहीं है, अभी 19वें बारे में आएगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है, बाकायदा मुस्तकिल आयत है। तो जब एक आयत पढ़ने से खाने में बरकत हो जाती, कहने नहीं सामने रख के आपने पढ़ा था ना? मैंने कहा खाना खाते वक्त फिर ऐसे पहले मुंह घुमा के बैठ जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर यूं सामने बैठो। वो बिस्मिल्लाह कब पढ़ता है? जब सामने खाना रखा होता तभी पढ़ता है ना। मैंने कहा यही तो सुन्नियों का अकीदा है कि हर खाने में फातिहा होती है, हर खाने में फातिहा होती है कि नहीं होती? बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है तो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है हर खाने पर। तो जब एक आयत पढ़ने से इतनी बरकत होती है तो चारों कुल पढ़ो तो कितनी बरकत होगी? अब क्या समझ में आ गया? चले अब यहां पर ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल आपको समझाने के लिए ताकि अकल में बात आ जाए। वो जनाब ये कि जानवर आप लोग पालते हो, हमारे बहुत से लोग हैं पालते हैं, मेरे कुछ हैं दोस्त ऐसे, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, उनके तो पूरे पूरे फॉर्म हैं, आप जाकर देखें आप समझेंगे कोई कैटल फॉर्म है, 400-500 बैल इतने बड़े बड़े उनके पास। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या बेचोगे? कहने नहीं ये न्याजों के लिए, न्याजों के लिए आशूरे पे, रबीउन नूर शरीफ पे, 11वीं शरीफ पे, ख्वाजा साहब के उर्स पे। तो कहना हमारी यहाँ न्याजें होती है तो हमारे अपने जानवर ज़िबा होते हैं, वो जानवर भी आप देख लें 10-10 लाख 12-12 लाख वाले नहीं आते, वाला सामान बड़े हेवी बैल। अब उन्होंने कहा ये वाला जो सिस्टम है ये रबीउन नूर शरीफ का है, ये वाला 11वीं शरीफ का है, ये ख्वाजा साहब का है, ये फला है। कहने यही तो हराम है, देखो कुरान में नहीं आया। और वो जानवर के जो अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर, मैंने कहा दूसरों के नाम पर क्या, ये बताओ दूसरे के नाम पर क्या? कहना दूसरों के नाम पर जो पाले गए, मैंने पाले गए नहीं जो ज़िबा किए गए, पाले गए के ऊपर कुछ नहीं है। ये कहां से आपने तफसीर निकाल ली कि दूसरों के नाम पर जो पाले गए? कहना आपको याद नहीं है? मैंने कहा आप मुझे बताएं, बकरा ईद आती है, कोई साहब गाय ज़िबा कर रहे हैं, अब भाई किसके नाम पर कर रहे हो? एक मेरे नाम पर, एक बेगम के नाम पर, चार बेटों के नाम पर, एक बेटी के नाम पर, समझ रहे आप? अरे इसमें तो अल्लाह का नाम लिया ही नहीं, ये पूरे साथ इसने अपने घर में ही रखे हुए हैं, मेरा नाम, बीवी का नाम, चार बेटे एक बेटी, आप समझ रहे? तो आप क्या कहेंगे कि इसकी गाय हराम हो गई, इसने तो अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। कहना ये साथ हमारे घर के इनके नाम पर है, वो बेवकूफ़ी होगी ना, कोई ये ना समझे इस बात को, इतनी मोटी बात वो कर रहा हो, उसके कहने का मतलब ये गाय तो है पूरी अल्लाह के लिए ही, लेकिन कुर्बानी हमारे नामों के साथ इस तरह से की जाएगी। एक अच्छा एक मसला यहाँ पर और, वो ये कि जनाब वो कुफार अपने यहां पर जानवरों को पाला करते थे इस नियत के साथ कि ये जो है वो देवी के लिए, ये सीता के लिए, ये गीता के लिए, या राम के लिए, रचमण के लिए, फलां के लिए, इस तरह से वो पाला करते थे। और जब उनके दिन आते थे तो उन बुतों के सामने ले जाकर वो उसकी बलि देते थे, और आज भी उनके यहां पर बलि दी जाती है, नहीं कहते बलि का बकरा। वो बाकायदा मैंने देखा नेट पर, वो ऐसे बुत के सामने करके, और एक नहीं बहुत मारते हैं वो, हजारों की तादाद में उनके दिन आते हैं उसके अंदर करते हैं, तो वो बकरे की गर्दन पकड़ी और यहाँ से पीछे से उसके मारते हैं, एक झटके के अंदर उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है। तो झटके के साथ किसी जानवर को वैसे भी अगर ज़िबा की और एक बारी में अगर उसकी पूरी गर्दन निकाल दी तो वो जानवर भी हराम, वो जानवर भी हराम है।
अब मैं आपसे एक मसला पूछ रहा हूं, और ये फिक्र के अंदर मसला आ गया, और मसला ये है कि किसी हिंदू ने गाय पाली या बकरा पाला कि मेरा फलां देवी का जब दिन आएगा उस दिन के अंदर मैं इस बकरे को बलि चढ़ाऊंगा। अब जैसे कल उसने बलि चढ़ानी थी, एक दिन पहले मुसलमान चोर आया, उसने वो बकरा जो पला था देवी के नाम पे कटने के लिए, देवी के नाम पर बलि के नाम के लिए जो पला था, दो साल जो बलि के नाम पर जिंदा रहा, उसको एक मुसलमान चोर ने चोरी किया और चोरी करके वो ले गया, और जाकर अपने घर में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसने ज़िबा किया। क्या कह के ज़िबा किया? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। चोरी करना हराम है, चोरी करना उसका ये अमल हराम है, उसका ये अमल हराम है, लेकिन किसी भी फकीर से आप पूछ लें कि जो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़िबा हुआ और ये दो साल बलि के नाम पर पला था, लेकिन ज़िबा के वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर इस पर कह दिया गया, अब इसका क्या हुक्म होगा? मैं समझता हूँ उसकी अकल ही मारी जाएगी जो कहेगा हराम है, वरना पूरी दुनिया के अकलमंद यही कहेंगे अब ये हलाल है, अब ये, क्योंकि ये ज़िबा किसके नाम पर हुआ है? अल्लाह के नाम पर हुआ। अब लीजिए जनाब, यहां पर रब्बे करीम ने आयत नंबर 125 में फरमाया, और ये बड़ा अहम मसला है मोमिनों, इसकी बड़ी जरूरत है, दौरे हाजिर में तो बहुत जरूरत है इसकी। मेरा रब फरमा रहा है कि अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत से और मवाइज़े हसना से, और अगर उनके दरमियान कोई जिदाल भी हो, यानी कोई तुम्हारा मुनाजरा भी होता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से करो, कि बेशक तुम्हारा रब वो जानता है कि जिस गुमराही से हिदायत का रास्ता नसीब होता है, और वही जानता है कि हिदायत याफ्ता कौन है। इस आयत में रब्बे करीम ने फरमाया कि अल्लाह की जानिब भी किसी को अगर बुलाना है ना, तो प्यार से बुलाओ, हिकमत से बुलाओ, मवाइज़े हसना से बुलाओ। और इसमें सबसे बेहतरीन अगर आपको देखना है कि तबलीग का अंदाज, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का है। हाय हाय, सरकार की तबलीग पे तो जहां कुर्बान है, अमेरिका का यूरोप का काफिर भी लिखता है, कहना अगर तबलीग की है तो सईदना मोहम्मद ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आका अलैहिस्सलाम की जो तबलीग है, कसम खुदा की, वो तबलीग ऐसी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए तो कुरान ने कहा कि मेरा अबीब चाहे जबान अपनी हरकत ना भी दे, तो उनकी नबूवत और रिसालत और उन पर ईमान लाने के लिए उनका चेहरा ही काफी है, हुजूर का चेहरा ही काफी है। लेकिन उसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से तबलीग की और हिकमत के साथ हम लोगों के, और बिलखसूस मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करता हूं, हमारी तबीयतों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात हैं और होने चाहिए। अगर मोमिन के जज्बात ही मर गए, फिर वो मोमिन ही कहाँ? आपको पता है इस्लाम ने तगड़े लोगों को पसंद किया है, इस्लाम ने, अभी आपको मैं बताऊं, यकीन करें आप, हम यहां पे तरावी पढ़ाते हैं, ठीक है, सवा पारा, फिर तफसीर देते हैं, फिर तकरीर करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, इसके अंदर कोई मसला नहीं। अभी आप बन जाएं सुले कुल्ली, सब अच्छा, सब ठीक, ईसाई को भी सलाम, हिंदू को भी सलाम, इसको भी सलाम, गुस्ताखे साहबा को भी सलाम, गुस्ताखे नबी को भी सलाम, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, बेपर्दा पर्दा, कोई मसला नहीं। अभी मैं 25 चैनल पर बैठा हुआ, आप समझ रहे, और दुनिया मुझे सलूट मार रही होगी। तो यहां पर रब्बे करीम ने फरमाया कि इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है, हिकमत और मवाइज़े हसना का हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि आप शरीयत मुतहरा और अल्लाह की हदों को भूल जाएं। हिकमत और मवाइज़े हसना अपनी जगह है। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु आधी रात को अपने कांधे पर समारोह उठाकर गरीबों के घर पर जाकर चूल्हे पर खाना रख के पकाकर बच्चों को खिलाकर उनके साथ खेलकर उनको सुलाकर फिर उमर बिन खत्ताब निकलता था। कौन उमर? जो आधी दुनिया पर हुकूमत करता था। ये क्या है? ये अखलाक, ये मवाइज़े हसना है, ये अपना अखलाक, ये उनका किरदार है कि वो अपने किरदार से इस तरह से तबलीग करके दिखाते थे। लेकिन सिर्फ पता चल जाए कि इसने हुजूर के फैसले को नहीं माना, तो उमर ने उसकी गर्दन उतारी और फरमाया कि जो मेरे नबी के फैसले को ना माने, उमर की अदालत में यही फैसला है। आप समझ रहे, यानी दोनों चीजें। और ये वो उमर है कि जिसको मेरे आका ने अल्लाह से मांग के लिया, जो अल्लाह मुझे उमर अता कर दे। सारे बने मुरीदे रसूल, उमर वो है कि जो मुरीदे रसूल भी है, मुरादे रसूल भी है। तो
हिकमत और मवाइज़े हसना का होना ये बहुत अच्छी बात है, यानी अगर कोई आपसे नरम लहजे में बात कर रहा है तो आपको तुर्श लहजा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हैं यानी वजू खाने पर, ये हमारे यहाँ आए दिन इस तरह के मामलात होते रहते हैं और बिलखसूस रमज़ान शरीफ में अल्लाह अकबर 12 बजे तो टेम्परेचर इतना आसमान पर जा चुका होता है कि आप किसी को हल्का सा भी बोलें तो सामने से इंतजार करें कि दो मन का वजन आने वाला है। तो ऐसे वक्त में देखिए, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊं, मैंने आपको बताया ना कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग का अंदाज इतना शानदार कि सारे जहां ने उसको एक्सेप्ट किया और अकली सलात वसलाम की गोद में पलने वाले चमन जहरा के वो दो फूल जो मेरे सरकार की खुशबू हैं, सैदना इमाम हसन और सैदना इमाम हुसैन रतील अनहुमा, सिर्फ एक मिसाल के तौर पर ये मैं वाकया पेश कर रहा हूँ ताकि आगे बढ़े। वो ये था कि बूढ़ा आदमी वजू कर रहा है और वजू में उसने गलती की, दोनों शहजादे पहुँच गए, देख लिया उन्होंने। अब उम्र इतनी है ना कि अगर डायरेक्ट टोकेंगे बुरा लगेगा, और वैसे भी उम्र रसीदा को टोकते हुए ज़रा ख्याल कीजिएगा, सामने से ऐसा जवाब आएगा ना आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। अब तू हमको समझा रहा है, हाँ जितना तेरा तजुर्बा है, जितनी तेरी उम्र उससे ज़्यादा मेरा तजुर्बा है, ये पहला डायलॉग तो आपको यही मिलेगा। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, हज़रत इमाम हुसैन दोनों शहजादे आए और आने के बाद कहने लगे कि चचा एक काम है। कहना जी कहिए। कहना मैं कहता हूँ कि मैंने वजू ठीक किया, और मेरा भाई कहता है कि मैंने वजू ठीक किया, तो आप ज़रा हम दोनों का वजू करना चेक करें कि गलती कौन कर रहा है। दोनों शहजादों ने वजू किया, चाचा को समझा दिया कि शरीयत क्या है। दोनों शहजादों ने वजू किया, चाचा को समझ में आ गई ये दोनों ठीक है, गलती मैं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, मवाइज़े हसन आपके समझ में आया कि किस अंदाज में तबलीग का जो अंदाज, कितना प्यारा ये अंदाज है। मैं अपने तौर पर बहुत कोशिश करता हूं कि मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए, और सामने अगर मेरा मोमिन भाई खड़ा है और वो ना समझ है तो उसको समझाना बिल्कुल मेरा काम है, बिल्कुल मुफाहमत होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि ये मक्कार मुनाफिक है तो उसको चीरना भी मेरे लिए कोई मसला नहीं होता। हाँ, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक और सामने समझने के लिए आया है और एक है मक्कार मुनाफिक जो आपके दरमियान फसाद करने आया है। तो फिर हमारा इस्लाम ये भी कहता है कि चीर के बाहर भी करना, ये भी मोमिन की शान है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये कि इस तरह से करके अपने सूरह नहल अपनी जो है वो मुकम्मल कर ली, थोड़ी सी अभी हम जो है सूरतुल इसरा, आपको पता है इसरा का मतलब क्या है जी, किसको पता है? सूरतुल इसरा 15 सिपारे की पहली सूरत का आगाज सूरतुल इसरा से हो रहा है। सूरतुल इसरा क्या मतलब है इसरा का? मेरा शरीफ तो इसका मतलब इससे है वाबस्ता, आपने जवाब सही दिया, इसका मतलब होता है सैर कराना, इसरा सैर से। तो रब्बे करीम ने ये पहली आयत के अंदर अकलिसलातुअसलाम का वो अजीम मोजजा मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें जिक्र है, और पहली आयत का तर्जुमा यही है कि पाक है वो ज़ात के जिसने सैर कराई अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम दिखाएं अपने हबीब को अपनी निशानियाँ, और जब हमारे हबीब ने हमारी निशानियाँ देख ली तो वह हमारा महबूब वो समी भी हो गया, वो बसीर भी हो गया। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि पाक है वो जात के जिसने सैर कराई अपने बंदे को। तो सबसे पहली चीज यह है कि अकलिसलातुअसलाम का ये मोजज़ा इतना अजीम मोजज़ा है कि सारी दुनिया जिस चीज की तमन्ना करती रही, और दुनिया तो दुनिया सैयदना मूसा कलीमुल्ला तमन्ना करते रहे, नवे पारे के अंदर गुजरा रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, ए मालिक एक जलवा तो अपना दिखा दे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी तमन्ना करते रहे तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मूसा आपकी मेराज कलाम तक है, अबीब की मेराज दीदार तक है। हाँ, तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये मोजज़ा जो है ये हो तो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, दुनिया तो नहीं मानेगी। तो रब्बे करीम ने फरमाया दुनिया को मनवाना हमारा काम है, कैसे नहीं मानेगी? कहने ये नहीं देखो कि मोजज़ा किसने किया, ये देखो मोजज़ा किसने कराया। इसीलिए फरमाया सुबहान अल्लज़ी, वो ज़ात पाक है ऐब से, नुक्स से, कमजोरी से, दौफ से, जहल से,
इन तमाम चीज़ों से वो पाक है, वो ज़ात, वो कादिर है, कादिर मुतलक है, जहाँ की सारी ताकत उसी से है, सारी इज्जतें उसी के लिए हैं। तो वो सारी ताकत रखने वाली ज़ात ने अपने अबीब को ये मौजज़ा अता किया। पाक है वो ज़ात की जिसने सैर कराई। लफ्ज़ अब्दी ही, इस पर बड़ा बहुत कलाम किया इकबाल ने भी और दीगर शायरों ने, लिखने वालों ने, मुफस्सरीन ने, कि अब्द का मतलब क्या है। पहला मतलब तो उसका यह है कि अब्द कहते हैं रूह और जिस्म को। आपके समझ में आ गई, रूह और जिस्म से जो मुरक्कब होता है उसको क्या कहते हैं, अब्द, जिसके माना होता है बंदा। लेकिन यहां यह नहीं फरमाया अब्द, फरमाया अब्द ही उसका बंदा। किसका बंदा? जो मौजज़ा करा रहा है उसका बंदा, जो सैर पे बुला रहा है उसका बंदा। हम नहीं कहते भाई इससे का जरा ख्याल करना, ये फलां का बंदा है, इससे होशियार रहना, फलां का बंदा है, फलां का बंदा है, ये फलां का आदमी है ये। तो रब्बे करीम फरमा रहा है जरा ख्याल से, ये मेरा बंदा है, ये देखो बंदा किसका है, कायनात के खालिक का बंदा। अकली सलातम फरमाते कि जब हम मेराज में पहुंचे तो रब करीम ने हमसे फरमाया ए हबीब तोहफा क्या पेश करें, 50 नमाजें तो मिली ना, हबीब के लिए तोहफा क्या होगा। आप जानते हैं अकली सलाम ने क्या मांगा रब करीम से, ए मालिक बस तू ये कह दे कि मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे अपने बंदगी में कबूल कर ले, तू अपने मुझे बंदों में कबूल कर ले। कितनी बड़ी बात, यानी सरकार ये बताना चाह रहे हैं कि ये देखो बंदा किसका, खालिक का बंदा, आ तू मुझे अपने बंदों में शामिल फरमा। तो यहां पर ये कि वो बंदा खास कि जो रूह और जिस्म के साथ मेराज के लिए गए, मस्जिद हराम से ये मेराज शुरू हुई और मस्जिद अक्सा तक ये पहुंची, ये सैर है, इसको क्या कहते हैं, इसरा, सैर, वहां तक पहुंची। मस्जिद अक्सा ये फलस्तीन में है और इसका नाम पहले क्या है, शाम। क्या नाम है इसका? ये बिलाद शाम है, फिलस्तीन, सीरिया, लबनान, जॉर्डन, ये चारों को मिलाओ तो क्या बनता है, बिलाद शाम, मुबारक शहर। दुनिया का सबसे पहले आबाद होने वाला शहर दमिश्क है और दुनिया का सबसे कदीम मुल्क जो है वो मुल्क शाम है। तो ये फलस्तीन और ये बरकत वाली। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि इसके गिर्द अमने बरकतें रखी हैं, मस्जिद अक्सा के गिर्द अमने बरकतें रखी हैं। हमने तो ये पढ़ा था कि मस्जिद के अंदर बरकत होती है, रब फरमा रहा है नहीं, मस्जिद के बाहर भी हम रखते हैं। जैसे कल मैंने कल परसों बताया था ना आपको कि जड़ी बूटी से इलाज होता लेकिन प्यारों की निस्बत हो जाए तो हम तो बेसबब को भी सबब बना देते हैं, फिर कपड़ा भी इलाज कर देता है और मजार की मट्टी भी इलाज कर देती है। तो यहां पर रब्बे करीम ने फरमाया कि मस्जिद के बाहर हमने बरकतें रखी हैं, मस्जिद अक्सा के गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। जब इसकी तफसीर आप पढ़ेंगे ना तो पता है वो बरकतें क्या थी, तफसीर में लिखा है कि वो बरकत यह थी कि वहां पर अंबिया इकराम की कब्रें थी, नबियों की कब्रों की वजह से वहां पर क्या है, बरकत। चले एक बात दुनियावी वो मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि कैंसर की सबसे अच्छी दवाई जो है ना वो इसराइल वाले बनाते हैं और वो बड़े चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारी ये दवाई महंगी भी होती है, वो कहते हैं हमारी ये दवाई 100% कैंसर के मरीज के लिए मुफीद है। इतना ज्यादा यहूदियों तुम अपने अकड़ के ये बात कर रहे हो कि तुम्हारी दवाई के अंदर इतना ज्यादा जो है वो, कहना तुमको पता नहीं ये किस जड़ी बूटी की बनी हुई है, अल्लज़ी बारकना हौलहु। अब आपके समझ में आ रही है कि जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी है, उस अक्सा के गिर्द की जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है कि मरते हुए को वो खिला दो तो जिंदा हो जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि हमने उसके गिर्द बरकतें रखी हैं। तो ये जो थी ये, इसको कहते हैं सैर, मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा तक ये सैर है। और मस्जिद अक्सा के बाद फिर जो आसमानों का सफर हुआ था वो एआराज है या मेराज है। अकली सलात वसलाम जब वापस तशरीफ लाए तो कुफारे मक्का आ गए, उन्होंने बहुत सारे सवाल इस पर उठाए थे, हमने मेराज शरीफ में उसमें जिक्र भी किया। यहां पर चूंकि मसला वो है जिसको मैं बयान कर रहा हूं, रब्बे करीम ने मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर क्यों कराई, उसके बाद फिर आसमानों का सफर हुआ, जब अपने हबीब को अपना दीदार कराना था और इतनी बुलंदी पर बुलाकर यह कराना था तो डायरेक्ट मक्के से भी सफर आसमानों का हो जाता। तो अकली सलाम आकर फरमाते कि हम पहले आसमान पर गए,
तो मक्के वाले कहते हैं हमने तो पहला आसमान देखा ही नहीं है, हम कैसे यकीन कर लें। अकली सलाम ने फरमाया पहले हम मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा गए, तो ये सारा रास्ता इन्होंने देखा हुआ था। अच्छा आप मस्जिद अक्सा गए थे, वहाँ पर कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, कितने पर्दे, कितने ये, कितने पंखे, कितनी लाइटें, वजू खाने में कितने नलके, लेकर पूरा अपना जो है वो इतराज का पूरा पंडोरा जो है वो अकली सलातम के सामने खोल दिया उन्होंने, इतने इतराज कर दिए। रब करीम ने फरमाया जिब्रील अमी को, ए जिब्रील मेरे अबीब के इस अजीम मोजे को ये दुनिया की मिसालों से झुटला रहे, ले जाओ पूरा बैतुल मकदस मेरे हबीब के सामने रख दो, पूरा बैतुल मकदस सरकार के सामने। आप पूछो, वो पूछते गए, आका ने बता दिया, एक बात तो हो गई खत्म। दूसरा मसला फिर क्या था कि उनके जो ताजर वगैरह थे उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है ये मस्जिद अक्सा का मामला इनको किसी ने बता दिया, निशानियां बता दी हो, सारी चीजें बता दी हों। कहना ये बता कि आपने रास्ते में क्या देखा। अकाली सलाम ने फरमाया वापसी जब आ रहे थे तो एक काफिला तुम्हारा फला कबीले का वो इस मकाम पर मौजूद था और उसको तीन दिन लगेंगे मक्के में दाखिल होने में। तीसरा दिन अका ने टाइम फरमाया था मगरिब सूरज गुरूब होते होते वो मक्के में दाखिल हो जाएगा। अब दरवाजे मक्के पे खड़े और अकली सलाम के गुलामों का चेहरा जो है वो उस तरफ आने वालों की तरफ और ये कुफारे मक्का या अकली सलातम की तरफ उस वक्त एक तंज भरी निगाह के साथ देखते हुए कहने लगे कि आपकी बात सच्ची ना हुई, ये सूरज गुरूब हो रहा है और काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। सरकार के जानिसार वफादारों ने पलट कर उनको कहा ओ मक्के के काफिरों और मुंह घुमाओ उस तरफ क्या देखते हो, उधर देखो वो काफिला सामने आ रहा है। जो सरकार ने निशानदेही की थी वो निशानदेही भी पूरी हो गई। तो इस वजह से रब करीम ने पहले मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा और उसके बाद फिर बुलंदी का कि तुम इसको तो मान लो, जब इसको मान लोगे तो फिर तुमको वो भी मानना पड़ जाएगा, क्योंकि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा भी नहीं हो सकता, एक आम इंसान के लिए नहीं हो सकता। तो जब हबीब के लिए ये हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता, जब ये हो सकता है तो वो आसमानों का सफर भी। इसके ऊपर एक सवाल ये कि जब अल्लाह ने अपना दीदारी कराना था, और सुनियो तुम्हारा ये अकीदा, हमारा ये अकीदा है ना कि अल्लाह हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, ये तो वहाबियों का नजरिया है कि अल्लाह आसमान पे रहता है। सुनियों का अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, और वो करीब क्या, वो फरमाता वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे हबीब जब आपसे मेरे बारे में बंदे पूछें कि मैं कहां हूं तो आप कह दीजिए वो करीब है, हर पुकारने वाले की दुआ सुनता है। ऐसे ईमान के साथ दुआ किया करो ना, कसम खुदा की क्या चाहिए, करोड़ चाहिए, अरब चाहिए, खरब चाहिए, क्या चाहिए, मांग कर तो देखो, ना मिले तो कहना ये ईमान है, वो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो जब तुम कहते हो कि वो करीब है तो फिर इतना बुलंदी का सफर क्यों कराया। मैंने कहा पागल ये समझ ले कि वो तो हमारे करीब है, अगर वहीं पे मुलाकात हो जाती किसी को क्या पता चलता, मेरे रब की जात तो बहुत बुलंद है। कयामत तक आने वालों को रब ने दिखा दिया कि मेरे हबीब का मकाम देखो कहां तक उनकी रसाई है। असल में तो यह दिखाना कि हबीब की रसाई कहां तक है, यह सफर इस वजह से हुआ। रब करीम कुरान मजीद की इन आयतों पर मजबूती के साथ हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। Ya Nabi salam alayka Ya Rasul salam alayka Ya Nabi salam alayka Ya Rasul salam alayka Ya Habib salam alayka सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका मुस्तफा खैरुल वरा हो सर्वरे
हर दूसरा हो मुस्तफा खैरुल वरा हो सरवरे हर दूसरा हो अपने आँखों का तसद्दुक अपने आँखों का तसद्दुक हम बदो को भी निभानो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावात अल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका सलावात अल्लाह अलैका आखरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए आखरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए अपने जलवों में घुमाए अपने जलवों में घुमाए झूम कर हम गुनगुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका इसका सलावात अल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका सलावात अल्लाह अलैका हम वही बेशर्म बंद है तुम वही काने हया क्यों रजा मुश्किल से डरिए क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावात अल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب كريم قرآن مجيد کی جتنی آیتیں پڑھیں اور تیرا ذکر اور تیرے پیاروں کا جو ذکر کیا گیا درود و سلام پڑھا گیا इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इन तमाम के मकबूलियत के साथ आज तेरी बारगाह में तेरे ये बंदे के जिन्होंने हर हाल में तेरे दरबार में हाथों को फैलाया और तेरे ही सामने जिन्होंने अपने
माथों को सजदे में रख कर कहा कि मेरा रब सबसे बुलंद है। ए मालिक, इनकी ज़बानों और इनके उठे हुए हाथों से आज एक दुआ हम सब के हक में कबूल फरमा। और वो दुआ ये है कि मौलाई करीम मरने से पहले हम सब को एक मरतबा कम से कम अपने हबीब का जलवा अता फरमा। बस आज की हमारी ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमा ले, अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा ले, रमज़ान की इन मुबारक रातों के सदक़े कबूल फरमा, नुज़ूल कुरान के सदक़े कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।